सिंगरौली गौरव दिवस पर हो रहे कवि सम्मेलन में स्थानीय कवियों को नहीं बुलाए जाने पर कवियत्री विजय लक्ष्मी शुक्ला ने आपत्ति जाहिर की है। इस मामले पर वरिष्ठ कवि गजेंद्र सिंह सोलंकी ने भी ऐतराज जताया है। नगर निगम की स्थापना पर नगर निगम द्वारा गौरव दिवस मनाया जा रहा है, उसी उपलक्ष में कवि सम्मेलन होना है। इस कवि सम्मेलन में स्थानीय कवियों को ना बुलाए जाने पर समाज सेवी व कवित्री विजय लक्ष्मी शुक्ला ने आयोजकों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर अपनी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि कैसा गौरव दिवस जब स्थानीय कवियों को ही इसमें नहीं बुलाया जा रहा। विषय पर ऐसा है कि अभी मैंने सोचा नहीं है, अभी मुझे विचार का मौका दीजिए, मुझे थोड़ा सा विचार करने दीजिए। कारण क्या है कि यश अपयश लाभ हानि जीवन मरण, ये हम सब जानते हैं कि ये विधि आप ईश्वर ही सबको बौद्धिक स्थितियां निर्मित करता है सबकी। कभी व्यक्ति नकारात्मक हो जाता है, कभी सकारात्मक होता है। तो चूंकि ये मेरे शहर की बात है और शहर के सभी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि कल से लगातार मुझसे बात कर रहे हैं इस विषय को लेकर के, और मैं अभी निर्णय नहीं कर पाई हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। बाकी जैसे क्षेत्र की श्रोता चाहेंगे, जैसे मेरे फॉलोवर चाहेंगे, जैसे मेरे प्रशंसक चाहेंगे, जैसे आप सभी सहयोगी चाहेंगे, वैसा सोचूंगी, वैसा करूंगी। इस आयोजन में भाग लेने वाले कवि गजेंद्र सिंह सोलंकी ने व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेजकर कहा कि गौरव दिवस में स्थानीय कवियों को नहीं बुलाया जा रहा है, ये खेद का विषय है, इसलिए ऐसे कार्यक्रम में मैं शामिल नहीं हो सकता क्योंकि इससे गौरव दिवस की महत्ता कम हो रही है, क्योंकि स्थानीय कवियों का सम्मान नहीं किया जा रहा। इस मसले पर भाजपा विधायक रामलल्लू बैस ने कहा कि योग्य व्यक्तियों को बुलाया जाना चाहिए। इसमें ऐसा है कि ये कला है, किसको बुलाते हैं किसको नहीं बुलाते। स्थानीय स्तर में एक दिन का ही ये कला है, कभी सम्मेलन और भी पहले भी हुए हैं, यही बार नहीं। उसमें आप बुलाना न बुलाना इनका सबका जो कमेटी में है मेंबर हो मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।